आज की कहानी में मैं हूँ, हॉस्पिटल है मेरा सबसे बड़ा खौफ है और कैसे मैंने उस खौफ को शिकस्त दी। कहानी शुरू होती है बुध शाम 6 बजे जब हम टेस्ट करवाने सिटी लैब गए। रेहान हमारे साथ था, हम बेगम शरीफ के टेस्ट हो रहे थे और मैं सिर्फ देख रहा था। वापसी पर अंडे भी लेने थे, अंडे लिए, कुछ रिपोर्ट्स लिए और हम घर आ गए। फिर साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। A few moments later. हाँ जी, बहुत मजे आ रहे हैं। ये झूले पे आप कब के हो गए भाई साहब? ए भाई साहब, ये आपका तो नहीं था। ए भाई साहब, ये तो हमें बड़ी ऑप्शन के लिए दिया था। चावल दूजी ऑप्शन के लिए, सालन के लिए देशे दे जा। इसका चावल ले जा थोड़े से। इसके तो मजे हो गए। मैडम जी, मैंने काम करने, मेरी चेयर को छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए मेरी चेयर को। यू आर द मास्टर, चलें हट जाएं। अगली सुबह बच्चों को स्कूल ड्रॉप करके हम हॉस्पिटल की तरफ चल दिए। हम जा तो रहे थे लेकिन दिल में 100 तरह के उभाम थे, 100 तरह के ख्याल जन्म ले रहे थे। अच्छा, ये अपने पास रखिए, वो साथ। कुछ फॉर्मेलिटीज और डॉक्यूमेंटेशन जो कि ज़रूरी है उनको करने के बाद ही आपको एडमिशन मिलता है। वो तमाम जल्द अज जल्द पूरी की और वापस एडमिशन ऑफिस की तरफ चल दिए। A few inches later. व्यू बहुत ही सुहाना है। चलो एक दिन के लिए। Not bad. जितनी देर बेगम तमाम रिश्तेदारों से फ़ोन पर तसल्ली हासिल कर रही थी, मैं अपनी देर कुछ नाकाम शॉट्स लेता रहा। बाय द वे, ये कम्प्लीमेंट्री ट्रे एग्जेक्टिव रूम में सर्व किया जाता है अली मेडिकल की तरफ से। ऑपरेशन में भी कुछ वक्त बाकी था, मैंने सोचा थोड़ी सी पेट पूजा करते हैं और बारी बारी सब ट्राई करते हैं। मेरा नदीदापन आपको यहाँ नज़र आ ही रहा होगा। खैर, किस्मों को कुछ और ही मंजूर था। जो ब्लड ग्रुप चाहिए था वो अवेलेबल नहीं था हॉस्पिटल में, तो उसके लिए मुझे ब्लड रीच करना है, तो मैं भी जा रहा हूँ रीच करने, तो होपफुली हो जाएगा जल्दी। डोनेट भी करना पड़ेगा, तो लेट्स सी कितना टाइम लगता है। अभी तक कहानी सिर्फ मेरे और हॉस्पिटल के गेट घूम रही है, यहाँ एंट्री होती है खौफ की। मुझे ब्लड फोबिया है, मैं किसी इंसान को खून नहीं देख सकता और मैंने कभी ब्लड डोनेट नहीं किया। मैंने एक दो बार ट्राई की लेकिन मैं खुद ही बेहोश हो गया। क्या आज मैं कर पाऊंगा? ब्लड डोनर रूम में हम ले चुके हैं, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। कहते हैं ना, डर के आगे जीत है। यहाँ मैंने अपने खौफ को शिकस्त दी और मेरा हौसला बढ़ाने के लिए भाइयों से बढ़कर भाई विक्की भाई मेरे साथ मौजूद थे, जिन्होंने मुझे हिम्मत दी और ये शॉट लेने में भी मेरी मदद की। ब्लड लेकर मैं सीधा ऑपरेशन थिएटर गया और बेगम का रिकवरी रूम में आने का इंतज़ार किया। ये हैं बेगम शरीफ के पिता शरीफ यानी गॉल ब्लैडर, जिनको बहुत ही खुश असलूबी के साथ निकाल लिया गया। क्या यार उस्मान साहब, इतना टेंस माहौल बना दी, क्या ऑपरेशन हो गया? हाँ जी हो गया। सब खैर से हो गया? हाँ जी हो गया। कोई मसला परेशानी? कोई नहीं। तो ज़रा चिल करो यार, रिलैक्स करो, माहौल को थोड़ा इंजॉय वाला करो यार, माहौल को ज़रा बेहतर करो। ओके 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 ओके। अब रह गए दो ही काम,
पहला बेगम की रिकवरी का, जिसमें उसने खुद हिम्मत करनी थी, और दूसरा पेट पूजा, जिसमें हमने कोई कसर ना छोड़ी। मजेदार। अब मुझे घर जाना था। रात हो गई थी, बच्चे पूरा दिन दादी और फूफों के पास थे। पूरा दिन बेचारों ने माँ बाप की शक्ल नहीं देखी थी, तो अपना सफ़र घर की तरफ शुरू हुआ। जी आता हूँ एक मिनट, क्या बनना है आज, थक गए हैं। ओए ये कैसे पड़ा सालन किधर है? फ्रिज में सालन, आपको इधर ये पड़ा है। गाइस हमने चीजें खाई, अच्छा खूब चीजें उसमें मार ली। इस खूबसूरत आलू गोश्त है, ख्याल से क्या कर रहा है? मेरी शक्ल से आपको लग रहा है थकावट? It's okay. The following day. जुम्मा नमाज पढ़ ली है, अब मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले एक इंतहाई जरूरी काम। लेकिन ये तो बंद है। इंतहाई जरूरी काम है ये। भाई साहब का दूध खत्म हो गया था, आँख नहीं खुल रही यार, पता नहीं नींद है या कल वो ब्लड डोनेट करने के बाद थोड़ी सी वीकनेस है, लेकिन फिर थोड़ा सा मजा नहीं आ रहा। वालेकुम। जी ये चाय मिल जाएगी? ये जो कार्डमम टी है, ये वो जो नेस्कैफे मशीन वाली वही वाली है ना? अच्छा दो ये कर दें, और साथ कुछ बिस्किट्स भी। कौन कौन से पड़े आपके पास? अच्छा जीरा प्लस होगा, साथ एक जीरा प्लस कर दें। ये एग्जैक्टिव कॉल आओ जी। ये तो जरूरी है, देखो जी मरीज को परहेज है ना, हमने तो नहीं है तो हमने तो अपने आप को मेंटेन करना चाहता हूँ। फाइनली जी अलहमदुलिल्लाह आप सब खैरियत से हो गए, डिस्चार्ज हो गए हैं, अभी बस घर जा रहे हैं, मैं गाड़ी लेके आता हूँ। One hour later. बच्चों को नहीं पता, बच्चों के लिए सरप्राइज है। कैसे सरप्राइज बच्चों के लिए? सरप्राइज था नाजरीन पकौड़ी जो आपने कहा था, टू चीजें जी।
ऑलराइट जी, स्टोरी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। और जाते जाते एक आखिरी बात, अपने डर का डट के मुकाबला करें, क्योंकि डर के आगे जीत है।